काफी मजेदार माहौल बन रहा है, मतलब डांस वांस जहाँ गुंजन और योगी का डांस हो रहा है वहीं आपका एक खूबसूरत टैलेंट भी हमें देखने मिला है। तो मतलब क्या जानना चाहते हो, आपकी खूबसूरत टैलेंट क्या, मतलब क्या है? कितना प्यारा गाना गा रहे हो आप, मतलब कैसा माहौल है घर का, कितना मजा आ रहा है ये सब में? पहली बात तो जब मैं योगी से मिलने आती हूँ बहुत अपसेट होती हूँ, बट मैं किसी को दिख मतलब समझाती नहीं हूँ कि मैं कितनी अपसेट हूँ, सैड हूँ, खुद में एकदम चुपचाप से फेक स्माइल करती हूँ सब जगह। बट देन आई ऑब्वियसली लव दिस फैमिली, लव योगी, तो कहीं ना आई के नॉट फॉरगेट एवरीथिंग, तो आई ट्राई टू बी वेरी नॉर्मल। तो इस ये सीन से पहले भी कहीं ऐसा होता है कि मैं योगी एंड से गुंजन जो होता है उन दोनों से मैं बात करती हूँ, फिर मैं रोती हूँ, फिर योगी भी, काफ़ी कुछ होता है। तो उसके बाद ये सीन्स व्हेन आई एम काइंड ऑफ नॉर्मल, आई नो, मुझे पता है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दे आर टुगेदर नाउ, शायद आई हैव नो होप्स राइट नाउ एज ए सिचुएशन देख के, आई जस्ट वॉन्ट कि वो दोनों खुश रहे, बिकॉज एवरी टाइम परी इज़ लाइक हमेशा मैंने सेक्रीफाइस किया है एंड आई स्टिल लव दिस फैमिली, तो आई वॉन्ट गुड। अभी सब लोग गाना गा रहे हैं, वैसा माहौल है, उन सबको पता है कि मैं यू नो गाना वाना गाती हूँ, सुरीला हूँ। लाइक पहले भी दो एपिसोड्स में शायद मुझे गाने के लिए बोला गया था, एक एकला चौलरे और एक जब कोई बात, या फिर कोई और सॉन्ग था आई गेस, आई सैंग दोस्त। आज किसी ने बोला कि चलो ये गाओ, तो उसे परी की आवाज़ सुन ली, लाइक नो। तो वही सीन चल रहा है कि गुंजन जो है शी लव टू सिंग नो, तो वही कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में चलता है, अच्छा परी सिंगिंग, एंड मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है, भनक ही नहीं है, तो आई सिंग दिस सॉन्ग। वही माहौल है, सब लोग डांस गाना कर रहे हैं, लाइक या एवरीवन्स एंजॉयिंग, आई रियली मिस दिस फैमिली, तो आई मीन दिस नॉस्टैल्जिक फीलिंग प्लस आई एम सिंगिंग। सो बट जैसे कि आपने कहा कहीं ना कहीं गुंजन मायूस हो जाती हैं, तो किस तरह आप गुंजन को मनाती हुई दिखी? तो हमने देखा, जैसे आपने देखा कि गुंजन जब मायूस हो जाती, मुझे तो पता ही नहीं होता, मैं जाके मैं दिल से सॉरी बोलती, मुझे पता नहीं था, आई एम रियली वेरी सॉरी गुंजन। एंड इत्तेफाक तो ये है कि हम दोनों की फेवरेट सॉन्ग है, मतलब कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है कि वी बोथ लव योगी। तो यू नो छोटी छोटी चीज़ें ऑडियंसेस के लिए कि यू नो सिमिलैरिटीज, अब तक नहीं पता कि बाद में जाके क्या होने वाला है, बट स्टिल यू नो देयर इज दिस होप, वही प्यार अभी भी है, तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग गुंजन के दिल में भी लगता है, वो भी इन सबको एक साथ देखी होगी, गुंजन को एक साथ डांस करते हुए देखी, मैं भी कहीं ना कहीं बता नाम लाइक बेस्ट थिंग इज दैट ये गाना मैंने पहले सुना है, लिरिक्स मुझे पता नहीं था, एंड जो अंतरा या फिर जो पैराग्राफ चालू होता है वो सब मुझे सुर इतना ढंग से नहीं आता, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर क्लासिकल सॉन्ग एंड लता जी ने गाया है। सो ऐसे अचानक से लास्ट ब्रेक से पहले मुझे बताया गया, अभी ब्रेक के बाद ही ये सीन हो रहा है, मुझे बताया गया यू हैव टू सिंग दिस सॉन्ग, मैं आई गॉट सुपर यू नो, मैं डर गई थी, हाइपर हो गई थी, मैं ऑटो में जाके, बाहर एक ऑटो रखा हुआ था, अंदर जाके हेडफोन में गाना सुन रही, बिकॉज मेरे रूम में मेकअप रूम में देयर वर पीपल टॉकिंग लाफिंग, तो इसीलिए आई वाज लाइक कि चलो मैं अपने जोन पे, मैं बहुत इरिटेटेड हो गई थी, बट अभी अच्छा गाया, सब लोग तारीफ कर रहे थे। ओके, लास्ट भी जाना चाहेंगे कि परी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी योगी को पाने के लिए, या वो एक्सेप्ट कर लेगी योगी और गुंजन को एक साथ? मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ मैं पॉजिटिव ही रहूँगी हमेशा, एज इन आई विल बी दिस स्वीट, मेरी जैसा नेचर है दिस लविंग केयरिंग, जो हमेशा पहले दिखाती थी एक मारूंगी वैसे टाइप का है, पर अंदर ही अंदर आई एम ए वेरी सॉफ्ट एंड आई अंडरस्टैंड पीपल, तो आई वैसे ही रहेगा, क्या होता है मैं क्यों बताऊँ, वो जानने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा इशारों इशारों में। तो या अगर दैट इज़ द मेन थिंग यू नो, अगर मैंने वही बोल दिया तो फिर तो सब मसाला यू नो घूम के आ ही गया सैंडविच में, फिर क्या फ़ायदा सारी। तो या I just मैं tired हूँ after coming from sightseeing and then I get to know कि I'm pregnant, so ये वो है, तो it's not an unknown, it's a happy happy thing, but yeah अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है, so later I think तो dramatic thing वही है कि वो पर ही आके मुझे news देगी that I'm pregnant. अच्छा ना योगी और आपकी रिलेशन में बात करके उनसे सब छुपा क्यों रही है कहीं ना कहीं गुंजन की उस तबीयत खराब है, फिर भी अच्छा मतलब वो क्या कुछ है? आई थिंक मोस्टली व्हेन यू आर सिक
तो जब आपको कुछ हद तक आप बीमार होते हो तो आप सामने वाले को यही बोलते हो कि नहीं नहीं और लोके क्योंकि मैं उसे टेंशन नहीं देना चाहती, स्ट्रेस नहीं देना चाहती, तो इसीलिए मैं उसे बोल रही हूँ नहीं नहीं मुके बहुत कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स फिर वो बता दूँगी। अच्छा लास्टली यू नो ट्रायंगल लव स्टोरी है, तीनों वापस मिल रहे हैं और इस तरह से कि वो एक आपकी प्रेग्नेंट वाली भी न्यूज़ हो रही है, तो क्या कुछ दिल टूटने वाले, जुड़ने क्या कुछ, काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है फीलिंग्स का, इमोशंस का? अब दिल तो दोनों के ही टूटे हैं, तीनों के ही टूटे हैं, तो आई थिंक अब परी आती है तो मुझे बुरा लगता है, परी को बुरा लगता है ये देख के कि योगी कुंजन टाइम हो गया है एक साथ हो गए, योगी को बुरा लगता है कि इतना बड़ा गैप आ गया परी और उसके, तो हर कोई अपने इमोशन के थ्रू जा रहा है। तो पूरी प्लानिंग दिख रही है डेट पे जाने की, गिफ्ट्स वगैरह भी आ गए हैं? गिफ्ट्स वगैरह आ गए हैं लेकिन अफसोस वो गिफ्ट मुझे मिल नहीं पाता क्योंकि यू नो जब भी दो लवर्स के बीच कुछ अच्छा होना होता है तो पेरेंट्स आ जाते हैं, तो इस सीन में भी मेरे फादर आ जाते हैं गाड़ी में, सब स्पॉइल हो जाता है, जो भी योगी कोशिश कर रहा है मुझसे मिलने की, गिफ्ट देने की, वो हो नहीं पाता। अच्छा क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप योगी से, क्या गिफ्ट होगा उस डब्बे में? काफ़ी पैक शैक किया हुआ है, कुछ प्यारा सा ही होगा क्योंकि योगी ने पैक किया है, समथिंग वेरी लवली नाइस। अभी पूरी बैंड बज गई गिफ्ट की, बनानास लग गए उस पर, गिर गए, उसके बारे में क्या कहें, गिर गए वो पूरे, मतलब आप अब तो मतलब कुछ बचा ही नहीं ना, यो गिफ्ट बोल रहे हो, योगी गिर गया मतलब बेचारा, ये पूरा जो भी योगी का पूरा प्लान था पूरा फेल हो गया। और लास्टली मतलब फैंस को अभी ये देखने को, आप लोगों को थोड़ा रोमांस देखने को मिलेगा? हाँ अभी का ये ट्रैक तो अभी ऐसे ही चल रहा है कि रोमांटिक फेस चल रहा है मेरा और योगी का, सो आई थिंक आप बहुत एंजॉय करोगे, सारे क्यूट 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 से सीन्स हैं, सो प्लीज़ वॉच आवर शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और वाकई काफ़ी यूनिक शो है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर्स काफ़ी डिफरेंट हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बेचारा नहीं है, काफ़ी बदमाश है, तो अपने आप में ये एक प्लॉट ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। उसके अलावा पूरी फैमिली जो है एक से एक कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं, सो ऑल इन ऑल काफ़ी मज़ेदार शो है, डिफरेंट है, सो वी आर वेरी होपफुल। या इट्स अ शो जो बहुत ही रिलेटेबल है, कोई भी देखेगा तो रिलेट कर सकेगा, एंड एज ही सेड आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है, सो एंड काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, ग्रेट कास्ट है, स्क्रिप्ट बहुत ही एंटरटेनिंग है, आई एम श्योर सबको ये देखकर बहुत मज़ा आएगा। सेम गोज विथ मी ऑल्सो, जैसे मुदित एंड सिमरन ने कहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल स्टोरी जैसे दिखाया जाता है योगी इस कैरेक्टर, योगी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर बिल्कुल भी बेचारा नहीं है, लाइक होता है सब कुछ, बट एवरीथिंग सो नाइस एंड पॉजिटिव इन दिस स्टोरी, एंड आई एम सो श्योर कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब सब लोग देखेंगे इशारों इशारों। मैं गुंजन का किरदार निभा रही हूँ, और गुंजन एक टिपिकल दिल्ली गर्ल है, काम है, कंपोस्ट है, रिजर्व्ड है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, फैमिली की हर बात मानती है, घरेलू लड़की है, चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करती है, बहुत सटल है, अपने तक रखती है, गार्डनिंग पसंद है उसे, म्यूज़िक पसंद है। ओके, मेरा कैरेक्टर का नाम है परी, मैं एक डॉक्टर का किरदार निभा रही हूँ यहाँ पे, पर अलग किस्म का डॉक्टर हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है, फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉटी हूँ बहुत ज़्यादा, प्यारी सी शक्ल है, मतलब स्वीट सी हूँ पर बहुत बदमाश हूँ, लाइक एक बहुत ज़्यादा मतलब लाउड कैरेक्टर है, चर्पी टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, एंड या शी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल कभी कभार, या समटाइम्स यू कैन नॉट जस्ट, एक दो शेड्स नहीं है, काफ़ी सारे शेड्स है परी के, तो या ऑब्वियसली थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि सबसे इसके इंटरेक्शंस हैं इस शो में सारी फैमिली से, तो काफ़ी बातें इसका मतलब है करने के लिए हैं लेकिन बोल नहीं सकता, तो सारा कुछ जो है हैंड जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू ही कन्वे करना था, तो ऑब्वियसली एक चैलेंज था, बट फॉर्चुनेटली सर्टिफाइड ट्रेनर्स थे हमारे साथ जिनके साथ हमें ट्रेनिंग करने का एक टाइम मिला, एक पीरियड दिया गया जिसमें हमने ट्रेनिंग ली, सो आई एम वेरी थैंकफुल, और बहुत मज़ा आ रहा है इस चैलेंज को लेके काम करने में। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स ये हो रहे थे कि एक तो ऑब्वियसली टेक्निकली साइन लैंग्वेज समझना,
फिर उसको इस तरह यूज़ करना जिसको मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी एक दिन सीख के धीरे धीरे करना नहीं, उसको इस तरह फ्लुएंटली करना था जैसे कि मैं बचपन से ऐसे करता आ रहा हूँ, पहला चैलेंज वो था। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि इतने ज़्यादा टेक्निकल साइन लैंग्वेज हो गई थी कि डर लगने लग गया था कि कहीं नॉर्मल ऑडियंस को समझ में आएगा कि नहीं, तो उस हिसाब से उसको एक बैलेंस में डालना कि नॉर्मल ऑडियंस भी समझे और जो कम्युनिटी है उनको भी लगे कि ये काम ऑथेंटिक है, तो वो चैलेंज को भी एक बैलेंस बनाना, वो भी एक चैलेंज था। तो ऐसे करके कई चैलेंजेस थे। ये जो स्टोरी है ये काफ़ी अलग है, इट्स नॉट सास बहू ड्रामा या आजकल जैसे फैंटेसी या थ्रिलर, इट्स अ वेरी नेचुरल शो। सबके जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी रियल लाइफ में नेचुरल जैसे होते हैं वैसे हैं, तो दैट्स द रीज़न आई डिड इट फॉर योगी, योगी के लिए। द थिंग विच लाइक अट्रैक्टेड मी, मतलब आई गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सीरियल, परी का कैरेक्टर, मतलब बहुत मज़ेदार कैरेक्टर, एंड आई वॉन्टेड टू डू, ऐसा कैरेक्टर मुझे करना था, एंड सर्टेनली मतलब आई गॉट दिस रोल एंड आई एम सो ग्लैड अबाउट इट, मतलब आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो, एंड येस आई एम डूइंग इट फॉर परी। बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है, कुछ कुछ एक्टर्स प्रैंक्स खेलते हैं, मस्ती करते हैं, हम इतनी फैमिली जैसे फील आता है, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर किसी से बिकॉज बड़े बड़े एक्टर्स हैं। डेफिनेटली इतने सीजनड एक्टर्स हैं हमारे साथ, सुधीर जी हैं, सुलभा जी हैं, किरण सर हैं, तो इन लोगों के साथ सीन करता हूँ तो ऑब्वियसली एक एक्टर के लिए गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, तो जब इनके रिएक्शन इनके एक्सप्रेशन में देखता हूँ तो हर रोज़ एक कुछ नया सीखने को मिलता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। सो आई फील इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अपने से बेटर एक्टर्स के साथ काम करिए तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुदित ने जो भी बोला इट्स ट्रू, द बेस्ट थिंग इज़ दैट दे आर वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स यू, मतलब अगर आप कहीं जगह पर रुक भी जाते हो तो दे सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग, कुछ नई नई चीज़ें आपको सीखने के लिए वो खुद भी इनपुट देते हैं कि ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग यू नो, या बहुत सारी हेल्प भी मिलती है, एंड आई एम ग्लैड कि आई कैन वर्क विद देम। फाइनली जो आपका कैरेक्टर है इन स्टोरी में रोल आउट, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो इंडिया में काफी लोग फेस कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड में, तो लोगों की सोच कितना बदलेगी इस शो के बाद, इस शो के थ्रू हम ये बोल सकते हैं। देखिए सोच बदलेगी कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट हमारा मैसेज यही है और हम लोगों ने इसको पोर्ट्रे भी इसी तरह किया है कि जो एक पहली इमेज आती है कि अरे बेचारा है और कमज़ोर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना वो कमज़ोर है ना वो बेचारे हैं। मैं जिनके साथ ट्रेनिंग लेता हूँ जो मेरे टीचर हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अगर उनकी ये पावर छीन ली गई है तो वो जितनी तेज़ में अभी बात कर रहा हूँ वो उतनी तेज़ पढ़ लेते हैं होठों को, तो एक पावर भगवान अलग से दे देता है, तो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए इसको लेके, इनसेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। सो बस यही है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इट गिव्स अ लेसन कि कैसे हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं रिगार्डलेस जो भी यू नो हेयरिंग इम्पेयर्ड या फिर जो भी सिचुएशन हमको दिया जाता है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टोरी जो बहुत पॉजिटिविटी देंगे लोगों को इफ़ दे वॉच। आई थिंक जैसे दिखाया है, जैसे योगी के दोस्त दिखाए हैं, उसकी फैमिली दिखाई है, वो जिस तरह से योगी से बात करती है वो एक चीज़ दर्शाता है कि वो जो जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी नॉर्मल लोग हैं, एंड हमें उन्हें कुछ अलग नहीं ट्रीट करना चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए। बहुत हाँ, अभी मंडे से ऑनर हो रहा है 15 जुलाई से, काफ़ी डिफरेंट शो है, काफ़ी प्लेजेंट शो है, जो कि आई एम श्योर आप लोग को आधे घंटे के लिए अपनी टेंशन से दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा। सो प्लीज़ मंडे टू फ्राइडे शुरू हो रहा है, ज़रूर देखिएगा इशारों इशारों में रात 8 बजे सोनी पर। यस आई वुड लाइक टू से द सेम थिंग मुदित ने जो भी बोला है, देखना ना भूलिएगा इशारों इशारों में 15 जुलाई से रात 8 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन सोनी टीवी। प्लीज़ वॉच इशारों इशारों में मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे 15 जुलाई से सिर्फ सोनी पर। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ कन्विक्शन के साथ दिखाएंगे तो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप उसके साथ मतलब
दिखाएं हर तरह के शोज, लेकिन ये शोज जो है इस तरह के शोज बहुत कम आते हैं टेलीविजन पे। तो जो आए हैं आई थिंक अगर अच्छे से रिसीव किया जाए तो बहुत प्रोत्साहन मिलेगा बनाने वालों को भी और ऐसे शोज और बनेंगे। नहीं हटके मेरा किरदार जो है वो शिव कुमार नाम का कैरेक्टर है। ये मेरी वाइफ प्ले कर रही है और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि भाई आईएएस ऑफिसर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके लाइफ में, अपनी बेटी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और बेटी से ख़ास तौर क्योंकि जो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा वाला एक किरदार है जो आई थिंक अच्छा लगेगा। एक नॉर्मल मदर है, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्ट्रिक्ट दिखाए हैं तो जाहिर सी बात है एक बैलेंस रखना पड़ता है, तो माँ को थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ता है हमेशा अपनी बच्चों की तरफ, खासकर अपने लड़के की तरफ, इवन बेटी की तरफ। तो बहुत ही एक अच्छी केमिस्ट्री भी है पति पत्नी में और बहुत प्यारे सीन्स किए हैं हमने साथ में। मुझे क्या लगता है ना, इस शो को देखने का जो कारण है, अगर सपोजिंग आप पूछें तो कारण ये है कि आम जिंदगी में जैसे हम लोग देखते हैं कि हर तरह के इमोशन से गुजरती है फैमिली, लेकिन हम हर तरह के इमोशन दर्शा नहीं सकते ऑडियंस के सामने। एक तरह का कुछ एक इमोशन लेके चलते हैं तो फिर वो वैसे ही होता है। इस सीरियल में ऐसा नहीं होगा, आप देखेंगे कि हंसी मजाक भी हो रहा है, हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, हाँ हर तरह की छोटी छोटी बातों को अंडरलाइन किया जाएगा, मतलब सब सब पूरा पैकेज बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और बहुत रियलिस्टिक नोट पे वो शायद लोगों को टच करेगा। थैंक यू सो मच, सो मच। शो बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम आ रहा है टीवी पे इस तरह का कांसेप्ट। बहुत एक्साइटमेंट है इस बात का और ये स्टोरी बहुत ही अलग है क्योंकि ये एक एक जो लड़का है जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी स्टोरी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि वो अपनी लाइफ को लेके सैड नहीं है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं मुझे ऐसा क्यों बनाया, वो अलग ही खुश है एंड उसकी फैमिली उसको बहुत सपोर्ट करती है। बिकॉज हम लोग कोई भी ऐसा नहीं करते कि उसको रियलाइज़ हो कि वो बोल सुन नहीं सकता, हम उनकी बातें समझते हैं, वो हमारी बातें समझते हैं, इशारों में ही समझते हैं, और अगर फैमिली में प्यार हो तो बातों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारा फैमिली बहुत ही अच्छा है एंड हम लोग बहुत ही प्यारी फैमिली है और बहुत ही नॉटी, जैसे हमारा योगी है जो बोल नहीं पाता और सुन नहीं पाता, तो हम सारी बातें उसकी समझ जाते हैं कि अगर वो सैड है तो भी हमें समझ आता है और अगर वो बहुत खुश है तो भी हमें रियलाइज हो जाता है, पूरे घर में वो खुशी का माहौल फैला देता है। जैसे कोई, जैसे मैं दुखी हूँ या मेरे हस्बैंड दुखी है या मेरे बड़े भैया दुखी है, वो झट से पूरा माहौल एकदम हैपनिंग बना देता है, भले वो बोल नहीं पाता या सुन नहीं पाता, बट उसके बिना हमारे फैमिली में कोई जिंदगी नहीं है। वो नहीं होता तो योगी कहाँ है, योगी कहाँ गया, योगी कहाँ गया, पूरा परिवार श्रीवास्तव फैमिली, अगर पूरी एक बोल सकते हैं बॉडी है किसी इंसान की तो योगी उसका दिल है, योगी ही है। हाँ जी, हम खास दोस्त हैं, साथ में ही बोलेंगे। हाँ खास दोस्त तो हम हैं इंशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं नितेश पराशर बबलू प्ले कर रहा हूँ। मैं वरिंदर सिंह सुरजीत प्ले कर रहा हूँ। और जो लोग रियल लाइफ में इन लोगों को बेचारा समझते हैं ना, आफ्टर दिस शो वो बेचारा ये वाली मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी उनकी, वो लोग, ये लोग बहुत ही गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और ये बहुत मजा करते हैं, वही चीज हम दिखाने वाले हैं। और हाँ, और शो बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। तो आपको सबको बहुत मजा आएगा। हाँ, मेरा नाम सरस्वती विजय है, मैं निशा प्ले कर रही हूँ, डॉटर इन लॉ, वाइफ ऑफ कबीर। और कैरेक्टर, मैं बहुत ही इनोसेंट गर्ल हूँ, पूरी फैमिली के खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, उनका देखभाल करना, कोई बीमार है तो उनका ख्याल रखना, सब कुछ, अगर कोई सैड है तो क्यों सैड है, अगर कुछ भी, फैमिली में मैं फैमिली में ही हूँ और बस हाउस वाइफ हूँ, दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम इज़ा सुम्बुल तौकीर है और मैं शो में खुशी का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि योगी की छोटी बहन है। और जैसे कि सब जानते हैं कि योगी कांट स्पीक एंड कांट हियर, तो मैं उनका माउथ पीस हूँ, वो जो बोलना चाहते हैं इशारों में जो बोलते हैं मैं सबको समझाती हूँ, मैं बताती हूँ कि वो बोल क्या रहे हैं। और ये भाई बहन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है, हमने अभी तक जितना भी शूट किया है हम लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड इंशाल्लाह आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अपना प्यार देती रहिए और चलेगा शो। हम लोग, जैसा कि बताया मैंने, हम लोग दोस्त प्ले कर रहे हैं और बहुत ही निहायती लुच्चे
पढ़े लिखे नहीं है हम लोग जो गलियां होती है ना वहाँ के दोस्त है हमारे तो पढ़े लिखे नहीं है दिल्ली के लौंडे समझदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कोई शो दिल्ली के लौंडे दिखाए तो अच्छा है अच्छी दोस्ती दिखाई है वैसे दोस्त है अभी जैसे हम दोस्त होते हैं ना हर एक बात बतानी जो घर वालों की नहीं बात बताते हमें पता होते भाई ये हुआ है आज उसका हेल्प कर तो जैसे दोस्त है तो सबसे पहले वो दोस्तों को पता है घर तक आएगी तो बस यही एक दोस्ती में जो थोड़ा बहुत झगड़ा होता है प्यार मनाना एक दूसरे से हेल्प करनी ये सब तो आई होप आपको अच्छा लगेगा हमने पूरी कोशिश की योगी के लिए लड़की भी ढूंढो योगी को तो मिल जाएगी योगी ने बोला को मिल जाएगी उसके बाद मेरे लिए भी ढूंढो शो में लड़ाइयां बिल्कुल भी नहीं है शो में लड़ाइयां नहीं है शो में सिर्फ और सिर्फ रूठना मनाना है जो कि हर फैमिली में होता है बहुत प्यार से हमने बोला साथ में तीनों लेंगे एग्जैक्टली उनका माइंड सेट बहुत बदलेगा जैसे कि अगर कोई भी इंसान जो बोल नहीं पाता और जो सुन नहीं पाता तो हमें बाहर की मेंटालिटी ऐसी कि वो उनकी लाइफ बहुत इनकम्प्लीट होती है नहीं उनकी लाइफ इनकम्प्लीट नहीं होती वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी जॉनर के इंसान होते हैं स्पेशली वो बोल नहीं पाते सुन नहीं पाते पर वो आसपास खुशी का माहौल फैला के रखते लोगों को लगता है कि वो डिसेबल्ड है पर उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो डिसेबल्ड है अगर हम उनको ऐसा फील कराएंगे कि वो डिसेबल्ड हैं तो ऑफ कोर्स उनको बुरा लगेगा एंड ये शो में ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये लोग अलग नहीं होते इनकी भी लाइफ है ऑफ कोर्स ये लोग भी खुश होते अपनी लाइफ में